हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं बीपीएससी मेंस के बारे में। प्री की बातें नहीं हो रही है, मेरा अभी सारा फोकस है 64th प्री को लेके। 16 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहा है। 16 को खत्म होने के बाद 20 से 25 तक एक मैं क्लास चलाऊंगा, वो होगी 63rd मेंस के लिए। मेंस में आंसर कैसे लिखें, क्योंकि देखो प्री में क्या होता है, प्री में बहुत मेहनत नहीं, बहुत ज्यादा स्कोर लाने की जरूरत नहीं। आप एक कट ऑफ ले आओगे तो भीड़ से बाहर हो जाओगे, लेकिन जब मेंस का एग्जाम दे रहे होते तो कंपटीशन वहां होता है। वहां एक एक नंबर पे रैंकिंग होती है। एक नंबर से आपको बहुत एसडीएम का पोस्ट मिल सकता है, और नहीं तो आप बहुत नीचे भी जा सकते हो। तो एक एक नंबर का वहां वैल्यू है। प्री में ऐसा नहीं, प्री में आप कट ऑफ के अंदर आ गए तो 10 लाओ ज्यादा है, 20 लाओ ज्यादा, या बिल्कुल कट ऑफ पे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिफरेंस है प्री और मेंस में। और मेंस के एग्जाम में अगर आपने बहुत ही अच्छा स्कोर कर दिया तो इंटरव्यू में अगर थोड़ा कम भी आता है तब भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो मेंस का एग्जाम बहुत ही जरूरी है। और आपको मैं एक बात बता दूं, मेरे पास अभी तक जितने भी फोन कॉल्स आए हैं, जितने भी लोगों से मेंस के बारे में बात की है, सब ने पहले ये कहा, सर मैं बिल्कुल तैयार हूं, सर मैं मेंस के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। लेकिन आंसर राइटिंग कैसे करें, जब ये मैं पूछता हूं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब मैंने पहला सेमिनार लिया था, आपको प्रूफ, मैंने एक प्रूफ के लिए मैं बता रहा हूं, जब मैंने पहला सेमिनार लिया तो उसका वीडियो भी अपलोड होगा, आप उसमें जाके देखना। एक लड़के ने कहा है, एकदम ये एकदम बिल्कुल फैक्ट है कि एक लड़के ने ये कहा, और ये 90% स्टूडेंट के साथ होता है। उस लड़के ने कहा कि सर मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन था उस पर मैंने पूरा अच्छे से लिखा, खूब अच्छे से लिखा, लेकिन नंबर नहीं आया, पास नहीं हुआ। मुझे पूरा उम्मीद था कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। ये उस सेमिनार का रिकॉर्डेड है, अपलोड भी किया हुआ है। ये था, उस समय मैंने जवाब भी दिया था कि आपने आंसर तो लिखा, आपने आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखा, क्या आपने आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा कि नहीं, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग लिखा कि नहीं। एक ही क्वेश्चन है, उसके अगर टेल में क्रिटिकल एनालिसिस, कमेंट यानी टिप्पणी, आलोचनात्मक मूल्यांकन, समालोचना करना, ये सब वर्ड अगर लग जाता है किसी भी क्वेश्चन के टेल में लग जाता है, क्वेश्चन का पूरा नेचर बदल जाता है। क्वेश्चन वही है, उसके पीछे अगर आप टिप्पणी लगा दे, उसके पीछे आलोचनात्मक व्याख्या लगा दे, इस तरह के छोटे छोटे टेल्स होते हैं, ये लगा दे तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, उसके अंदर के कंटेंट पूरे चेंज हो जाते हैं, और आपने तो एक याद करके आप गए, वहां पे आपने उसको चिपका दिया। ये हाल अधिकांश स्टूडेंट का है। जब मैंने उससे पूछा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेंस का आंसर लिखते कैसे। ये बहुत बड़ी समस्या है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो बिल्कुल पूरी तरह से सब्जेक्ट को एक तरह से क्या कहते हैं, पी के गए, घोल के पी गए हैं, उनको सब चीज याद है लेकिन नंबर नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेंस में आंसर कैसे लिखे ये नहीं आता। ये है। और दूसरी बात कि मेंस उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन के डिमांड के हूबहू उसके अंदर कंटेंट क्या डालना है और क्या छोड़ना है। समस्या ये भी हो जाती है कि बहुत बार एक र्यूमर है, खास करके बिहार की बात मैं कर रहा हूं, बिहार की बिल्कुल, तो र्यूमर वहां पे क्या है कि वहां के जो बीपीएससी के जो टीचर हैं वो लंबे लंबे क्वेश्चंस चेक करते हैं, क्योंकि उनको ग्रेजुएशन का पेपर चेक करने की आदत होती है। तो सब याद करके गए और सब वहां पे जाके जितने ज्ञान थे सब पेपर पे डाल दिया, सब ज्ञान पेपर पे डाल दिया। खैर अब तो लिमिट हो गया है। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर वो कौन कौन से कंटेंट डालें और क्या ना डालें, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से जो पढ़े होते हैं, वो उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, उनको नहीं आ रहा एक्चुअली, उनका उनको एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, लेकिन उनको पता है कि अगर 3-4 पार्ट में क्वेश्चन, उनको पता है किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है और उस कौन सा पार्ट मुझे अच्छे से आता है, वहां से कैसे आंसर को निकालना है, उनको अगर स्मार्ट तरीका पता है तो वो क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जिनको ये नहीं पता, वो याद करके गए हैं गांधी जी के बारे में लिखो, अब वो लिख देंगे सब कुछ। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि गांधी जी के चंपारण को लिखो या गांधी जी का अहमदाबाद को लिखो, इसे नहीं पता, गांधी जी ने क्या क्या किया वो सब लिख के आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आंसर राइटिंग में हमें सीखनी होती है, और जब आप देखोगे और सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग के अंदर क्या क्या गलतियां हो रही है। एक है, एक दो तीन लड़के ऐसे हैं जो रेगुलर मुझसे चेक करवा रहे हैं आंसर, जो रेगुलर चेक करवा रहे हैं। जब मैंने एक बार उनसे पूछा कि तुम्हारे इस आंसर के अंदर जो है आलोचना नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है, तो उसने क्या बोला, बहुत ही शॉकिंग था, मेंस का एग्जाम दे रहा है, उसने बोला कि क्रिटिसिज्म क्या होता है, आलोचना क्या होता है उसके, मैंने पहला शब्द निकला। और परसों भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ, मेरे पास जो फोन आया तो काफी कॉन्फिडेंस में वो लड़का था, और परसों के कॉल के बाद ही मैं ये सोच रहा हूं
ये बात भी ये सही है कि परसों जो मेरे पास फोन आया उसके बाद ही मैं सोच रहा हूँ इस क्लास के बारे में। इसके पहले कहीं से कोई प्लान ही नहीं था, इस 63rd के बारे में कुछ भी करने का कहीं से कोई प्लान नहीं था। परसों के फोन कॉल के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए, क्लास लिया जाए। तो परसों जो फोन आया उसमें सब कुछ हुआ, बातें हुई, सर मेंस कहाँ से पढ़े, क्या कहाँ फोकस करे, ये वो सब चीज बातें हुई। जब मैंने बाद में पूछा उसे लास्ट टाइम, जब फोन रखने के ठीक पहले ही मेरे मुंह से निकल गया कि आंसर कैसे लिखना है ये तो आता है ना। हाँ, क्यों नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो मैंने दो चार जो टर्म्स थे वो पूछ दिया, तो वो हक्का बक्का रह गया सुन के। उसको समझ में नहीं आया, उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है। खैर मैंने उसको बोला कि जाके पूछ लेना। तो ये हाल है, ये हाल है। और आपने जो पढ़ा है वो ठीक है, आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करना होगा, उसके अंदर क्या छोड़े क्या डाले और कितना आंसर कैसे आंसर लिखना है, और बाय चांस अगर आंसर नहीं आए, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो उसको अच्छे से कैसे निकाले, इन सब तरीकों पे हम लोग बात करेंगे। 20 से 25 तारीख क्लास स्टार्ट होगी रात के 8 बजे से, रात के 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी 20 से 25 तारीख, ठीक है। 20 से 25 तारीख के बीच में, उस बीच में अगर 5-6 दिन के अंदर आप इस चीज को समझ गए और अगर आंसर पेपर में डाल दिए तो बहुत ही बड़ा अंतर क्रिएट होगा। जब मेंस का एग्जाम आप दोगे तो बहुत ही बड़ा अंतर क्रिएट होगा। और बीपीएससी में ये मान के चलो कि मैक्सिमम स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आंसर ही लिखने नहीं आता, आंसर कैसे लिखे ये लिखने नहीं आता। तो बस आप लोग तैयार हो जाओ, जो भी मेंस दे रहे हो, पर 20 से लेके 25 इन 6 दिनों में हम लोग आंसर को डेवलप करेंगे। उसके अंदर क्या कैसे आंसर लिखें, कैसा वो परफेक्ट आंसर हो जिससे स्कोर बहुत ही अच्छे हैं, इन सब पे बात होगी, तरीकों पे बात होगी और बहुत सारी चीजें ऐसी मैं कोशिश करूंगा बताने की जो मेंस में आपके काम जरूर आए। यही कहना था। तो 20 तारीख से 25 तारीख के बीच, फॉर डिटेल, कोई भी डिटेल्स के लिए कॉल नंबर जा रहा है वहां पे आप जाके कॉल कर सकते हैं।